स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज टिप्स। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको सिखाएंगे कि जिन संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है उन संख्याओं का अंडर रूट कैसे निकालते हैं। आप बिना स्किप किए वीडियो पूरी देखना। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो आज हम निकालेंगे अंडर रूट 5 का रूट। तो आप लोग जानते हैं कि 5 का रूट हम निकाल नहीं पाएंगे, इसको कैलकुलेटर से ही निकाल पाएंगे। तो हम आपको इसका फार्मूला बताएंगे कि इसको हम कैसे निकालेंगे शॉर्ट तरीके में। इसका फार्मूला होता है रूट ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 इंटू रूट ए। ठीक है, तो सबसे पहले 5 है, इसका रूट हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके पीछे एक ऐसा नंबर ढूंढिए आप कि जिसका हम रूट निकाल सकें। तो 4 का हम रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो 4 का रूट 2 होता है, सबको पता है। तो 4 और इसमें कितना ऐड करेंगे कि 5 हो जाए, 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 4 का रूट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो और 1 हो गया। अब a का मान ये हो गया और b का मान कितना हो गया ये। ठीक है, समझ गए। अब ये वाले फॉर्मूले में इसका मान रख लेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट इसको लिख लेंगे अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपान 2 इंटू अंडर रूट ए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे केवल प्लस ही करेंगे या माइनस भी कर सकते हैं। तो इसमें हम दोनों कर सकते हैं। अगर इसके संख्या आगे की आप ले रहे हैं तो उसमें माइनस करेंगे प्लस करेंगे, अगर पीछे की ले रहे हैं तो उसमें माइनस करेंगे। जैसा आप प्लस माइनस जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। तो रूट ए का मान अभी हमने निकाला है 2 है। अब हमने क्या किया था, प्लस किया था, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। बी का मान है 1 अपान 2 इंटू रूट ए का मान 2 है, यहाँ पे 2 लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 अपान 4। ठीक है, 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 टू जा 8 हो गया, 8 प्लस 1 अपान 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 अपान 4। अब 4 से जो है 9 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 9 4 टू जा 8 हो गया, 9 से 8 गया, 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, जाएगा इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 4 टू जा 8, फिर 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 0 लगा लेंगे क्योंकि हम पॉइंट पहले लगा चुके हैं। तो 4 5 जा 20, तो हमारा कितना आ गया 2.25 लगभग में। ठीक है, तो अंडर रूट 5 का मान कितना आ गया 2.25, यही हमारा सवाल है। अब हम अगला वाला, आपको समझ में आया नहीं? ठीक है, अब अगला, तो अब हम 6 वाला बताएंगे। तो 6 के बाद में क्या आता है 9। ठीक है, तो 9 का रूट कितना होता है 3, 3। तो इसका कितना आएगा 3 आ जाएगा, आपको पता है 9 का रूट कितना होता है 3। तो क्या करेंगे 3, अब इसमें 6 में 9 में कितना घटाएं कि हमारा 6 बचे, तो 3 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका रूट हमें पता है 3 है। ठीक है, तो वही वाला अपना फार्मूला पीछे वाला लगेगा रूट ए प्लस माइनस बी अपान 2 इंटू रूट ए। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस किया है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस लगाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ए माइनस बी अपान 2 इंटू अंडर रूट ए। ठीक है, अब ए का मान हमें पता है कितना है, ए का मान है, इस वाले को ए कहा जाता है, इस वाले पार्ट को ए कहते हैं। तो 9 का कितना रूट निकलेगा 3, तो ए का मान ये हो गया और बी का मान हो गया 3, इसका भी बी का मान भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट ए का मान 3 रख लिया, बीच में माइनस लगा लिया, बी का मान 3 है, 2 गुणे फिर 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 3 इंटू 6 एलसीएम यहाँ पे हमने ले लिया है, 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 और 6 की 18 माइनस 3 5 6, 18 से 3 जाएगा कितना बचेगा 15 बचेगा अपॉन 6। ठीक है, ये देखो डिवाइड करके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 से कट जाएगा
थ्री फाइव जा और थ्री टू जा, तो 5/2 हमारे पास आ गया। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4, 1 आया, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 5 जा 10 आ गया, ठीक है। तो रूट 6 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.5 लगभग में। तो आपको समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे 21 का रूट निकालेंगे, ठीक है। 21 का रूट नहीं होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अब आपको इसके पहले या बाद में ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका हम आप रूट निकाल पाएं। तो हम ले लेते हैं रूट 25। इसका हमें रूट पता है, तो 25 में कितना माइनस करेंगे 21 आ जाए, तो 4 अगर माइनस कर दें 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 का हमें रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 माइनस, तो ये ए का मान हो गया, बी का, तो हमने यहाँ पे माइनस किया है। फॉर्मूला लगा लेंगे, अंडर रूट ए माइनस पी अपान 2 इंटू अंडर रूट ए, ठीक है। अंडर रूट ए का मान, ए का मान कितना है, ए का मान है 5, ठीक है, और बी का मान है 4, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए, ए बराबर 5, बी बराबर 4, ठीक है। ए 5, यहाँ पे बी 4, 2 इंटू 5, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 5 टू जा 10 हो गया, 10 एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम हो गया, 5 इंटू 10 माइनस 4, तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 50 आ जाएगा ऑन 10। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46, ठीक है, अपॉन 10। अब यहाँ पे देखो डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 23 अपॉन 5 आ गया। अब 5 से क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको 23 को, तो यहाँ पे 5 4 जा 20, अब यहाँ पे 3 बचेगा, 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 5 6 जा 30। अब अंडर रूट 21 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4.6 लगभग में, तो हम अब निकालेंगे 50 का रूट, ठीक है। तो इसके पहले की एक संख्या हम निकालेंगे तो जिसका रूट निकला है, तो 49 का रूट तो आप सब लोगों को पता ही होगा, नहीं 77 जा 49, ठीक है। तो ए का मान हमारे पास क्या आ गया, 7, ठीक है, और बी का मान इसमें एक इतना ऐड करेंगे कि 50 आ जाना चाहिए, तो 1 ऐड कर देंगे 50 आ जाएगा, तो बी का मान 1 हो गया। इसके बाद में वही अपना फार्मूला पुराना वाला, यहाँ पे हम ऐड करें तो ऐड वाला लगाएंगे, आप अगर माइनस करते हैं तो माइनस वाला लगाएं, यह ना करें कि ऐड किया है तो माइनस वाला फार्मूला लगा दें। यहाँ पे देखिए ए का मान हमारे पास 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस बी का मान 1 है, 1 2 इंटू 7, 7 प्लस 1 अपान 2, 7 जा कितना होता है 14। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अब 7 इंटू, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 98 आएगी, 98 प्लस 1 अपॉन 14, तो 98 में अगर 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99 अपॉन 14, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम सीधा सीधा डिवाइड करेंगे, सेवन बार जाएगा, ठीक है, कितना आएगा जल्दी बताइए, रुको जरा सबर करो, 98 आएगा ना,
नाइन से वन गया, नाइन से एट गया, वन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे यहाँ पे, तब भी नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे, फिर कितनी बार आएगी, फिर यहाँ पे सेवन बार जाएगा, 98 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, टू बचेगा ना, टू लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो ऐड करेंगे, फिर वन बार जाएगा, फिर यहाँ पे टेन से फोर गया, सिक्स बचा। यहाँ पे कितना लिख देंगे, रूट 50 का 7.071 लगभग में आता है ये। तो अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ट्वेल्थ और इलेवेंथ और टेंथ की मैथ पढ़ें या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम वो वाला कंटेंट भी आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद, मज़ा आया।